इसी के साथ देख लेते हैं द न्यूज इंडिया में उन खास खबरों को जो कि आप पर और हम पर करेंगी सीधा असर। कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इंदौर की बात करें तो वहां आए दिन कोरोना वायरस के संक्रमण की खबरें आ रही हैं, मौत की खबरें आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में बहुत सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। लॉकडाउन से मिली छूट के दौरान मोटरसाइकिल पर लोग घूमते हुए नजर आए। शिवनी मालवा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखिए तस्वीरों में लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद SDM ने सख्ती दिखाई है और कहा है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होगी, तुरंत घूमना बंद होना चाहिए, नहीं तो कोरोना वायरस फैल सकता है। रविशंकर राय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवनी मालवा ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना कारण के घूमता हुआ नजर आएगा, नियमों के उल्लंघन करता हुआ नजर आएगा, उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त आदेश के बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सजा दी जा रही है। वो लोग चार पहिया वाहन लेके आ रहे हैं और पूरी सड़क को जाम कर दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई के तहत उठक बैठक भी लगवाई जा रही है ताकि लोग सुधर जाएं। साथ साथ उन्हें हिदायत दी जा रही है कि डिस्टेंस रखना है ताकि ये बीमारी ना फैले। नगर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कुल मिलाकर पूरी एहतियात बरतने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।